दोस्तों स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार में। आइए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बस 10 मिनट में। दोस्तों आज है 8 जुलाई दिन सोमवार, आइए जानते हैं तमाम बड़ी खबरें, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बड़ी खबर जान लीजिए, नाबालिग के गाड़ी चलाने पर अब 25,000 का जुर्माना लगेगा। लखनऊ पुलिस पेरेंट्स को भी भेज सकती है जेल, सोमवार से चलेगा वाहन चेकिंग का विशेष अभियान। अगर आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और इन जिलों के हैं तो आप जान लीजिए कि सोमवार से नाबालिग के हाथ में दो पहिया या चार पहिया गाड़ी मिली तो ऐसा करने वाले नाबालिग के पेरेंट्स को जेल भेज दिया जाएगा और साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। सरकार की तरफ से यह फैसला जारी कर दिया गया है। पुलिस आयुक्त अमरेंद्र कुमार के निर्देश पर राजधानी लखनऊ में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाने के मातहतों को दिए गए हैं। कुल मिला के बताते चले कि अब हर जिले में ये आदेश जारी हुआ है जिसमें अब पेरेंट्स को जेल भेजा जाएगा अगर नाबालिग गाड़ी चलाता है। 12 महीने के लिए वाहन का पंजीकरण भी रद्द हो जाएगा। इसके अलावा 25,000 का जुर्माना लगेगा। नाबालिग को 25 वर्ष की उम्र पूरी होने तक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अयोग्य घोषित कर भी दिया जाएगा। तो हाथरस कांड सरकार और पुलिस का फेलियर है, सांसद चंद्रशेखर बोले ऐसे बाबाओं पर होनी चाहिए कार्रवाई, फंडिंग की भी जांच होगी। लोकसभा सत्र खत्म होने के बाद आजाद समाज पार्टी से नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर पहुंचे। उन्होंने हाथरस कांड पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा ऐसे बाबाओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए। उनको फंडिंग कौन कर रहा है जो वो इतनी व्यवस्थाओं के साथ ये सब कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये फेलियर है पुलिस प्रशासन और सरकार का। क्या इंटेलिजेंस बिल्कुल जीरो हो गया है? क्या उनको नहीं पता कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है? बाबाओं पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों महंगे प्याज टमाटर ने कर दिया है परेशान, अब ना ले टेंशन क्योंकि सरकार ने लिया है बड़ा एक्शन, हफ्ते भर में गिर जाएंगे इसके दाम। जी दोस्तों अगर आप भी टमाटर और प्याज की महंगाई से परेशान हैं तो इस खबर को देख लीजिए। बरसात शुरू होने के साथ एक बार फिर से सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। इसमें प्याज और टमाटर ने तो पूरी रसोई का बजट ही बिगाड़ दिया है। दिल्ली कानपुर कोलकाता सहित कई शहरों में टमाटर 90 रुपए किलो बिक रहे हैं। लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर ये दाम कब कम होंगे। इस बड़ी कीमत पर सरकार भी अलर्ट हो गई है और आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जुट गई है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इसकी कीमतें कम हो जाएंगी। गर्मी ने बर्बाद कर दिया था फसल, अब बारिश भी यही कर रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कारोबारियों का कहना है कि तेज लू के कारण टमाटर सहित कई सब्जियां खेत में ही खराब हो गई जिस कारण इस बार इतना महंगा हुआ है। उन्होंने कहा किसानों का कोई मुनाफा नहीं हो रहा क्योंकि गर्मी के कारण फसल बहुत तेजी से खराब हुई थी। अब दिल्ली की आजादपुर थोक मंडी में अधिकारी बताते हैं कि प्याज की सप्लाई खत्म हो गई है और फिलहाल सिर्फ हिमाचल से टमाटर की सप्लाई हो रही है। यही कारण है कि ये सारी चीजें महंगी है, लेकिन सरकार इसके लिए अब कार्रवाई भी कर रही है। महंगे प्याज टमाटर से जल्द ही आपकी परेशानी दूर होगी। तो दोस्तों 55 लाख से ज्यादा बुजुर्गों के खाते में आ गया 1659 करोड़ रुपए का पेंशन, तिमाही का किस्त का भुगतान मिला है। समाज कल्याण विभाग ने 55 लाख से ज्यादा गरीब बुजुर्गों के खातों में पेंशन की राशि भेज दी है। यह चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही की किस्त है। विभाग का कहना है कि 2-3 दिन के भीतर सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा पहुंच जाएगा। बताते चले कि प्रदेश सरकार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बुजुर्गों के लिए 1,000 रुपए प्रति महीना आर्थिक सहायता देती है। अप्रैल से जून की पेंशन 55 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खाते में भेजी गई है। प्रत्येक बुजुर्ग पेंशनर के खाते में 3,000 रुपए मिले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि योगी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले ही ऐलान किया था कि 45 रुपए पेंशन मिलेगा हर महीने का 1500, लेकिन ये पूरा नहीं किया है और बुजुर्गों को 1000 रुपए महीने के हिसाब से पेंशन दिया है। ऐसे में बुजुर्ग नाराज भी हैं, पेंशन धारक नाराज है। वह दिव्यांगों को भी 45 रुपए मिलने की बात सामने आई थी लेकिन जो पूरा नहीं हो पाया। और एक मीडिया रिपोर्ट में तो खबर आ रही है कि आने वाली अब जो पेंशन 3 महीने की होगी वो 4500 होगी। तो अगर आप इस राज्य के हैं तो आपको बताते चले 14 लाख राशन कार्ड धारकों को बड़ी सौगात मिल गई है। गेहूं चावल के बाद अब नमक की बारी है। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राशन कार्ड धारकों को बड़ी सौगात दी है। राजस्थान सरकार हुई, उत्तराखंड सरकार हुई या फिर मध्य प्रदेश सरकार हुई, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है लेकिन यहाँ की सरकार अच्छे अच्छे ऐलान करती है और जनता को राहत देती है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को पता नहीं क्या हो गया है, वो कोई भी राहत देने के लिए तैयार ही नहीं है और सिर्फ केंद्र के द्वारा जो दिया गया लाभ है वही दे रही है और अपने जनता को कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा। आपको बता दें आवास योजना में भी यही बात सामने आई है। फिलहाल प्रदेश के 14 लाख राशन कार्ड धारकों को धामी सरकार अब राशन की दुकान पर सस्ता नमक भी देगी जो जनता को थोड़ी राहत तो मिल ही जाएगी। धामी सरकार के मुताबिक प्रदेश के सरकारी राशन की दुकान पर अब आप जाएंगे तो नमक 8 रुपए किलो आपको मिल जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को इसका ऐलान कर दिया है। मतलब कि उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है और वहां सरकार कितना तगड़ा काम कर रही है। चाहे उत्तराखंड सरकार हुई, भजन लाल सरकार हुई या फिर जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पे अच्छे काम हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अब उतने काम नहीं हो रहे।
चार धाम दर्शन के लिए भक्तजनों का बढ़ा इंतजार। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट के बाद यात्रा स्थगित हो गई है। जी हां, चार धाम यात्रा पर बड़ा अपडेट सामने आया है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण चार धाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। तीर्थ यात्रियों से अपील की गई है कि वे ऋषिकेश से आगे यात्रा पर ना निकले और जो भक्तजन यात्रा रूट पर हैं वे सफर के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों पुलिस कप्तान को हाई अलर्ट पर रहने की सख्त हिदायत दी है। यानी इसी समय में कोई अनहोनी ना हो जाए, भक्तजनों को परेशानी न बढ़ जाए, इसलिए चार धाम यात्रा को फिलहाल स्थगित किया गया है क्योंकि भारी बारिश हो रही है। दोस्तों, हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन, बार बार भारत को आंख दिखा रहा है। पैंगोंग झील के पास कर रहा है खुदाई, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है। समझ नहीं आता कि सरकार कर क्या रही है, आखिर चीन क्यों इस प्रकार का कार्रवाई करता है और भारत चुप रहता है। ब्लैक स्काई द्वारा प्रदान की गई तस्वीरों के अनुसार 2021-22 के दौरान बनाए गए बेस में भूमिगत बंकर है। इनका उपयोग हथियार, ईंधन या अन्य आपूर्ति को स्टोर करने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों, चीन अपनी विस्तारवाद की नीति से बाज नहीं आ रहा, वो लगातार अपने क्षेत्र के बाहर भी विस्तार कर रहा है। एक तरफ भारत के विदेश मंत्री के साथ चीनी विदेश मंत्री वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी गतिरोध का समाधान निकालने के लिए बैठक करते हैं और दूसरी तरफ चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील के पास फिर अपनी हरकतें बढ़ा दी हैं। चीनी सेना यहां लंबे समय तक रहने के लिए खुदाई कर रही है। ऐसे में सरकार को बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, वरना ये खुदाई भी करेंगे, बंकर भी बनाएंगे, हथियार भी रखेंगे और भारत देखता ही रह जाएगा। तो जून में 42 लाख से ज्यादा नए डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं। डीमैट की टोटल संख्या 16 करोड़ के पार पहुंच गई है। पिछले महीने 36 लाख अकाउंट खुले हैं, यानी कि अब लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने पैसों को और फाइनेंस रूप से मजबूत होना चाहते हैं। जून महीने में 42 लाख से ज्यादा नए डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं। दोस्तों, CDSL और NSDL के लेटेस्ट डेटा से ये बात की जानकारी मिली है। डेटा के मुताबिक जून में 42 लाख से ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं, यह 4 महीने के उच्चतम स्तर पर है। तो दोस्तों, बजट 23 जुलाई को आने वाला है। सीतारमण लगातार 7वीं बार पेश करेंगी बजट, ऐसा करने वाली पहली वित्त मंत्री होंगी। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक रहेगा। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार 3.0 पहला बजट 23 जुलाई को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी और बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। वे ऐसा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बनेंगी। लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि टैक्स में राहत किसानों पर फोकस रहेगा। बजट पे कई सारे ऐलान होने वाले हैं। यह बजट मिडिल क्लास को टैक्स में छूट देगा, महिला सशक्तिकरण बढ़ाएगा और जो किसान निधि की आय है बढ़ाने पर जोर रहेगा, रोजगार पर फोकस रहेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट जो 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 तक की जा सकती है। वही आपको बता दें, डिफेंस, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कई घोषणाएं होंगी। इस बीच आंध्र प्रदेश को 1,00,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज भी मिल सकता है। यानी कुल मिला के बताएं तो इस बार का बजट आम नागरिकों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बेहद खास होने वाला है। बताया जा रहा है कि इस बार जो पेट्रोल डीजल है वो GST के दायरे में आ जाएगा, इससे 15 रुपए तक पेट्रोल डीजल सस्ता मिलेगा। तो ओला कैब्स में गूगल मैप्स का अब इस्तेमाल नहीं होगा। कंपनी अब खुद बनाए ओला मैप्स का यूज करेगी, इससे सालाना 100 करोड़ रुपए बचेंगे। ऑनलाइन कैब सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी ओला कैब्स ने अब अपने बिजनेस में गूगल मैप्स का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया है। कंपनी अब गूगल मैप्स की जगह पर खुद के बनाए ओला मैप्स को यूज करेगी। दोस्तों, 31 दिन तक बंद रहेगा प्रयागराज वाराणसी हाईवे 1 लेन। सावन महीने में कांवड़ियों के लिए रहेगी रिजर्व, स्टेशन पर बनेगा होल्ड एरिया। श्री काशी विश्वनाथ का प्रिय महीना सावन 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। ऐसे में संगम से जल ले जाकर काशी आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शासन ने प्रयागराज वाराणसी हाईवे की 1 लेन 31 दिनों तक बंद रखने का फैसला लिया है। यह व्यवस्था 20 जुलाई की रात 12 बजे से 19 अगस्त रात 12 बजे तक लागू रहेगा। हाथरस भगदड़ मुख्य आरोपी को 14 दिनों की जेल हो गई है। कोर्ट से दौड़ाकर बाहर लाई पुलिस, मुंह के बल गिरा देव प्रकाश मधुकर। हाथरस भगदड़ के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को CJM कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट में मीडिया का जमावड़ा था, पुलिस मीडिया से बचने के लिए मधुकर को पीछे के दरवाजे से दौड़ाकर बाहर लाई है। बाकी आप यहां पे 5 विजुअल देख सकते हैं किस प्रकार से उसको लाया गया। यहां पर वकील थे, तमाम मीडिया भी थी और पुलिस किस प्रकार से उसको दौड़ाकर लेकर आई। ये मुख्य आरोपी है हाथरस कांड का, जिसके मुंह पर आप देख सकते हैं रुमाल बंधा हुआ है। जी हां, ये मुख्य आरोपी है और इसी को पकड़ा गया है। सो दोस्तों, यू कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े फॉर लेटेस्ट न्यूज। मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों, नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।